जोत सिंह साहब को हम इस बरानगर क्षेत्र के विधायक बनने से पहले ही हम उसका बारे में हम जानते थे, सुने हैं। वो किसी भी बंगाल नहीं, पंजाब नहीं, पूरा भारत के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा हो सकते हैं। आप यहाँ की विधानसभा की प्रतिनिधित्व बंगाल सरकार की तरफ से करते हैं बंगाल राज्य में, ऐसे में एक सिख शख्सियत जो एक बिजनेसमैन है सरदार जोत सिंह जी, ये कौन सा प्यार है कि जब आप एक चैनल पर उनकी बात करते हैं आपके दिल में ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कहीं प्रमोशन कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। ये कैसा व्यक्तित्व है जिस जो आपके हृदय में जुड़ा हुआ है और आप उनकी प्रशंसा करने में संकोच भी नहीं रहे। गिनती रुपया लेके पंजाब से उन्होंने यहाँ पर आए थे सोदपुर में, हाँ, और वहीं से कहाँ तक लेके गए हैं और JIS नरूला ये सब बना के गए, गुरु नानक इंस्टीट्यूट। अब बताइए तो ये सब 10 गुरु का आशीर्वाद बिना नहीं होता, और उसके साथ श्रम और लगन। इन्हें बड़े हो गए आपने नीमा रख दिया और इन्हें दूजे अपने पंजाबी ने भी जन जिन्हें भी बहुत सत्कार दें दिया। अकाल चैनल दे देश विदेश दे सारे दर्शकों का एक बार असी स्वागत करते हाँ। सत्कारयोग जिन्हों बापू जी कहते हैं सरदार जोत सिंह जी, JIS ग्रुप के निर्माणकर्ता अते ओ महान संस्थान की नींव बंगाल च रखन वालिया दा मिठी याद अज इत्थे मनाई गई। डल्लब गुरद्वारा गुरद्वारा सिख संगत दमदम विखे सवेर तो चल रहे प्रोग्रामा दे विच वख वख मेहमान आए हैं, तो अज साडे विच जड़े मेहमान आए हैं श्री तापस राय जी इत्थों दे बड़ा नगर विधानसभा केंद्र तो विधायक हैं, तो मैं हिंदी च गल करांगा। सरदार जोत सिंह जी JIS ग्रुप के साथ रिश्ता पता नहीं किस किस परिवारों का और किन किन का है, ये अनगिनत रिश्ते आज जो भी आ रहा है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसी ही कड़ी में श्री तापस राय भी उन्हीं रिश्तों को जोड़ने के लिए और अपनी श्रद्धांजलि अपने शब्दों में सरदार जोत सिंह जी को कैसे जानते थे, उनके कौन सा व्यक्तित्व कौन से विचार आज भी उनको प्रभावित कर रहे हैं, हम इन्हीं के शब्दों से आज इनसे पूछेंगे। अकाल चैनल इंटरनेशनल सिखों का चैनल है जो बंगाल में अपनी सेवाएं शुरू कर चुका है। पिछले दिनों भी डल्लब में जब किसान आंदोलन हुआ था तो यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग गई थी, और आपके पार्टी की तरफ से भी श्री सौगत राय जी ने एक इंटरव्यू हमारे चैनल में देकर हम लोगों को सम्मानित किया था। श्री तापस राय जी, आप तो बंगाली समुदाय के हैं, सरदार जोत सिंह जी सिख कम्युनिटी से हैं, आज जिस तरह की विचारधारा देश में चल रही है, हिंदू को बंगाल से बांटना, बंगाल को हिंदू से बांटना, ऐसे में एक बंगाली होकर सरदार जोत सिंह जी एक सिखों के पंजाबी शख्सियत के साथ, सबसे पहले एक बताइए इस रिश्ते को आप कैसे अनुभव करेंगे, कौन से शब्द देंगे आप, सबसे पहले यहाँ से शुरू कीजिए। ये मेरा खुशनसीब है जो जोत सिंह सरदार जोत सिंह जैसा शख्सियत उसका आशीर्वाद मुझे मिला, खाली मुझे नहीं मेरा परिवार को, मेरा मिसेस को भी मिला। जोत सिंह साहब को हम इस बरानगर क्षेत्र के विधायक बनने से पहले ही हम उसका बारे में हम जानते थे, सुने हैं। वो किसी भी बंगाल नहीं, पंजाब नहीं, पूरा भारत के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा हो सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक अपने को, अपने आप को ले गए थे और पहुँचाए थे, उनकी अपनी बातों से हमको सुनाए थे माताजी और बापूजी, हमको बैठा के अपना ये डानलब का घर में खाना भी खिलाए थे 2 मरतबा, और 1 मरतबा अचानक 93-94 उम्र में मेरा घर चले गए। हम तो आश्चर्य हो गए थे, बोले क्यों हम नहीं आ सकते, हमने बाबा क्या बोलते हैं आप, बापू आप आ नहीं सकते, 100 बार बोले नहीं, मैं मेरा
बहू को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मेरा मिसेस को आशीर्वाद दे के अपना पॉकेट से एक एनवेलप निकल के दे के गए, बोले पूजा में तुम कुछ जाके ले लेना। देखिए उनका जो तीन बेटा है, तरनजीत सिंह, हरनजीत सिंह और अमरीक सिंह, खाली इन तीनों का उन्होंने बापू नहीं थे, हम सभी उनको मानते थे, प्यार करते थे, श्रद्धा करते थे और बापूजी कह के पुकारते भी। और ये सही बात, जो अगर एम अपना उद्देश्य अपना श्रम ये अगर सही मानों में कोई लगाएगा तो जोत सिंह जैसा उतना ऊंचा जगह तक। मैं एक बात पूछूंगा, आप विधायक हैं, आप यहाँ की विधानसभा की प्रतिनिधित्व बंगाल सरकार की तरफ से करते हैं बंगाल राज्य में, ऐसे में एक सिख शख्सियत जो एक बिजनेसमैन है सरदार जोत सिंह जी, ये तो प्यार है, लेकिन ये कौन सा प्यार है कि जब आप एक चैनल पर उनकी बात करते हैं आपके दिल में ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कहीं प्रमोशन कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ये कैसा व्यक्तित्व है जिस जो आपके हृदय में जुड़ा हुआ है और आप उनकी प्रशंसा करने में संकोच भी नहीं रहे, रुक भी नहीं रही, ये कौन सा प्रभाव है जरा बताइए। ये प्रभाव है जोत सिंह जी का पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, ये प्रभाव है उनको प्यार मोहब्बत जो तहे दिल से हम लोग को करते थे दिए गए है, ये अनुभव करते हैं जी। जोत सिंह अपना बारे में जब बोले थे जे कई एकदम हाथ एक माने गिनती रुपया लेके पंजाब से उन्होंने यहाँ पर आए थे सोदपुर में, हाँ, और वहीं से कहाँ तक लेके गए हैं और JIS नरूला ये सब बना के गए, गुरु नानक इंस्टीट्यूट, अब बताइए तो ये सब जहाँ पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, होटल मैनेजमेंट की जो मतलब मास्टर डिग्री है, बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, ये ईश्वर का आशीर्वाद, नानक जी का आशीर्वाद, ये हमारे 10 गुरु का आशीर्वाद बिना नहीं होता, और उसके साथ श्रम और लगन। तो अभी मैं आपसे बंगाली में एक सवाल करना चाहता हूँ, चूँकि मैं भी बंगाल से ही, हमार प्रश्न एखन बांग्ला भाषा अपना तके आछे, तापस दा একটি বিধায়ক, বিধায়ক মানে বিধির নায়ক, একটা ন্যায় বিচার বা একটা রুল রেগুলেশনের মধ্যে থাকে, আপনি যেখান থেকে এই এলাকাটাকে প্রতিনিধিত্ব করেন সেখানে একটা মানুষ, একটি ব্যক্তিত্ব আপনার জীবনে অনেকটা প্রভাব ফেলেছেন, এই প্রভাবটা ব্যক্তি জোত সিং আছে না শিখ জোত সিং আছে না একটা ব্যবসায়ী জোত সিং আছে, আপনি জোত সিংয়ের মধ্যে কোন জিনিসটাকে বেশি গুরুত্ব করে দেখছেন আজকে ওনার স্মৃতির দিনে? আপ জোত সিং কি বারে মে জরা সা ইয়ে বাত বলিয়ে। আমি জোত সিং জি কে উনি যে জায়গায় যে উন্নতিতে যে মানে যে উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে গেছিলেন, আজকে ওনাকে উনি ব্যক্তিত্ব, অবশ্যই শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ, উনি তো শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে একটা প্রেরণা, একটা উদাহরণ, শুধু শিখ সম্প্রদায় না, উনি আমার কাছে, আমাদের মানুষের কাছে, বাংলার কাছে, পাঞ্জাবের কাছে, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে, যদি জোত সিংয়ের এই যদি বলা যাওয়া যায় জোত সিং কটাকা নিয়ে এসেছিলেন এবং কোথায় গেছিলেন তার এই জীবনে, তাহলে পরে সেটা কিন্তু পড়ে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। ইন লোগোনে ইনহোনে কাহা ইনহোনে কিয়া জোত সিংজি সিরফ এক ব্যক্তি নেই হ্যাঁ, এক শিখ নেই হ্যাঁ, তো এক बंगाल दा या मेरे जीवन दा हिस्सा नहीं है, उदा परिचय भारतवर्ष दे उन्हां व्यक्तियां विच गिनिया जांदा है जो सिर्फ 2-4 रुपए लेके पंजाब तो बंगाल चाहे सी, ते अज बंगाल दी धरती इस सरजमी दे विच सिक्ख्या दे केंद्र यूनिवर्सिटियां स्थापित करन तो बाद इन्ने विख्यात हो गए, इन्ने चर्चित हो गए कि उदियां मिसालां देण वेले सानू जोत सिंह जी दे बारे ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਟਜ ਇਹਨ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾੜੀ 'ਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਤੋਂ ਬੜੋ ਦਾਇਤਵ ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੁਕਤ ਹੋਏ ਤੀ ਕਿੰਤੂ ਰਾਜ੍ਯ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟਰ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੋਏ ਗਏ, ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਰ ਬੇਪਰਟਾ ਤੋਂ ਰਾਜ੍ਯ ਸਰਕਾਰੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੇਖਾਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀ
की छो के देखते हैं, आने वाले दिनों में इन परिवार को कौन सी शुभकामनाएं आप देंगे अपने वक्तव्य से? इस परिवार के साथ हम जुड़े हैं, बहुत मानते हैं इस परिवार को हम। इस परिवार भी जो सिंह जी के सुपुत्र जो तीनों हैं हमको बहुत मानते हैं, प्यार भी करते हैं। हम यही खाली बोलना चाहेंगे, ये जोत सिंह जी बंगाल के ऊपर जितना इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डेंटल कॉलेज जो बनाए हैं, एक सिख होने के नाते भी पंजाब से आते हुए जो पैसा कमाए हैं उन्होंने, ये समाज के लिए, नई पीढ़ी के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने बना के गए हैं। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, अब बताइए, इससे बड़ा काम। इसीलिए जोत सिंह को हम लोग प्रणाम करते हैं, मानते हैं, और भगवान उसको जो सोल को सही रखे, सही सलामत रखे, ठीक रखें, अच्छा रखें, यही कामना करते हैं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं अकाल चैनल दे सारे दर्शकों ने जानकारी दे दवा, ए बंगाल सरकार तो विधान नगर दे विधायक श्री तापस राय जी हन। एक विधायक वालों एक शख्सियत, एक व्यक्ति दे बारे, किसी पर्सनल जिंदगी दे बारे ओदी वड्याई, ओदी उपमा दे शब्द एवें नहीं हुंदे। किधर ना किधरे ओदी कमाई उन्हें जो बंगाल दे विच अपने आप नूं स्थापित किया है, सिर्फ अपने आप नूं नहीं, उन्हां दे राही सारी सिख कौम अज बंगाल दे विच स्थापित हो चुकी है। वड्डे अदारे सिक्ख्या दे उन्होंने स्थापित करन तो उपरंत बंगाल सरकार दे विधायकां दे दिल विच भी, इत्थों दी सरकार दे दिल विच भी जिहड़ी जगह बनाई है, आउण वाली पीढ़ी ते आउण वाला भविख दसेगा कि सिखां दे इस परिवार ने सिख कौम दा नाम अपनियां सेवावां दे के कौम दे विच किस कदर रोशन कीता है। अकाल चैनल ने उचेचे तौर ते श्री तापस राय दे नाल गल्लां बातां राहीं उन्हां दे दिल दे उभरदे होए शब्द सरदार जोत सिंह जी दे प्यार अते मिठी याद दी श्रद्धांजलि दे नाल जोड़े हन। ते मैं सारे सिख समाज दे वलों अकाल चैनल दे सारे दर्शकों दा एक बार धन्नवाद करदा हाँ। इस वेले असी डल्लप विखे गुरुद्वारा सिख संगत डल्लप तो ये सारा इंटरव्यू आप जी दे सन्मुख रखे है। अगली बार फिर किसी नवे प्रोग्राम दे विच आप जी दे नाल मुखातिब होवांगे। उदों तक लई मैं किरणजीत सिंह कलकत्ते तो इजाजत चाहुंदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल चैनल दे देश विदेश दे सारे दर्शकों का एक बार असी स्वागत कर रहे हैं। इस समय असी दिखा रहे हैं कैमरे दे विच समुची सिख संगत खालसा मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे मैदान दे विच इकट्ठी हुई है। ये एकत्रता किस वजह दी है, किस कारण दी है, किस परिवार दे नाल इन्ना वड्डा प्यार है, किस परिवार दे नाल इन्नी वड्डी सांझ है, किस परिवार दे नाल ये सांझ दे प्यार दे लई सारे कलकत्ते दी संगत प्रबंधक कमेटियां सेवावां सिख संस्थावां इत्थे इकत्र होईयां हन। अकाल चैनल वालों अज दी इस विशेष पेशकश दे विच लवांगे कुछ जानकारियां अते साडे सन्मुख जिस संस्था ने बतौर सिख परिवार दे बंगाल दे विच सिख कौम दा सर्वोच्च नाम उच्चा किया है, उस संस्था दा नाम JIS ग्रुप है। उस दे करता धरता सरदार जोत सिंह जी दी अज मिठी याद मनाई गई। उस याद दे विच ये जिहड़ी एकत्रता अकाल चैनल आप जी नूं तस्वीरां दिखा रहा है, ये सारी उस गल दा सबूत है कि जे असी सेवा करांगे, जिन सेवया तिन पाया माण, गुरु साहिब जी दे महावाक अनुसार जे असी तत्परता नाल सेवा करांगे तां इस तरह दा सन्मान मिलदा है। देखो साध संगत जी, ये कमाईयां हन ते इन्हां दीआं यूनिवर्सिटियां भी सिख कौम दी शान आन बान शाम नूं बिलोंग्स कर दिया हन। साढ़े विचकार यूनिवर्सिटी दे माणयोग डीन हन। मैं हिंदी विच गल करांगा ताकि हिंदी ते पंजाबी सारे ही ये मैसेज कन्वे करनगे। माननीय डीन जी, आप अपना अकाल चैनल में परिचय दीजिए। अकाल चैनल इंटरनेशनल चैनल है, देश विदेश में करीब 120 से 130 कंट्रियों तक टेलीकास्ट होता है। आप बतौर JIS ग्रुप में किस पद पर काम कर रहे हैं, आप अपना पहले परिचय दीजिए। जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम। मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का डीन हूँ। और आज एक बहुत ही, आप बतौर डीन JIS ग्रुप में काम करते हुए आपको किस टाइप, किस अनुभव का, ग्रुप का आपको अनुभव हो रहा है? देखिए, जो शिक्षा संस्था या जो समाज एक इंसानियत के आधार पे जुड़ा है उसका प्रतीक हम सबके सामने है। आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, हमारे आदरणीय पूजनीय बापूजी का पुण्यतिथि है और इस तिथि पे इतने सारे लोग
और ये एक्चुअली अगर आप सच्चे सेंस में ले तो ये उनकी कमाई है, उन्होंने इंसानियत कमाया था, उन्होंने लोगों के बीच सबकी मदद का भाव, सबको उठाने का भाव और उस हर शिक्षा को उस हर स्तर पर उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो ये एक बहुत ही अजूबा है आज के युग में। एजुकेशन के ऊपर गुरु नानक देव जी ने गुरबानी के ऊपर कहा है, विद्या विचारी टपरों को कर, विद्या को अहम स्थान गुरबानी में भी दिया है, अखरी ज्ञान गीत गुण गा। गुरु साहब ने कहा अगर अक्षरों का ज्ञान हमें मिलेगा तभी हम सही में किसी की प्रशंसा या कोई उपमा या किसी बड़ी महानता को प्राप्त होंगे। ऐसे में विद्या को लेकर आपका जो अदारा है GIS ग्रुप जो बंगाल में अपनी छवि को स्थापित कर चुका है, इसके बारे में आपके गर्व के शब्द और प्रतिक्रिया क्या होगी? GIS ग्रुप के अगर एजुकेशन मोटो की बात करें तो वो है एजुकेशन बियॉन्ड ऑर्डिनरी, ये हम सबके लिए है। GIS के अगर आप शिक्षा पद्धति को देखेंगे तो समाज के हर वर्ग के बच्चे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, होटल मैनेजमेंट हो, फार्मेसी हो, डेंटल हो और किसी भी वर्ग की आप बात करें, सारी आप मास्टर डिग्री लेकर जब बच्चे यहाँ से निकलते हैं एक भविष्य के अच्छे निर्माण की तरफ बढ़ते हैं, उस समय जब विदाई का समारोह होता है निर्माण करता तो पीछे से आप, तो एक सिख संस्था की तरफ से बच्चों का इतने बड़े भविष्य पर निर्माण आप लोग निरंतर करते हैं, इसके लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे सारे विश्व? आई थिंक शिक्षा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है और जैसे कि हमारे बापूजी मानते थे, बिलीव करते थे कि शिक्षा सबके लिए होना चाहिएगा, इसलिए मैं ये हर गार्जियन से, दुनिया के हर माता पिता से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनको उनके पैरों पर खड़ा करें और उनको उनके इच्छा अनुसार प्रोत्साहन दें कि वो जीवन में अपना नाम बना सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। GIS ग्रुप की तरफ से माननीय डीन विशाल कुमार जी ने हमें अपने बहुमूल्य शब्दों से नवाजा है और सारी जानकारी दी है। यहाँ पर सिख समुदाय की तरफ से भी है, मैं इनसे अब पंजाबी विच गल करांगा। GIS ग्रुप दिया जड़िया जड़िया सिखियावां ने फिर भी तुहानू किद्दां लगदा है कि तुसी प्रभावित किस तरह हुंदे हो? बहुत वधिया लगदा जी, बहुत वधिया, बहुत नाम कीता बहुत नाम कीता। तुसी की कहोगे? हाँ जी, GIS ग्रुप ने सिख कौम का बंगाल दे विच की आल ओवर इंडिया दे विच सिख कौम का नाम सब तो उच्चा चक्या, बहुत वधिया इंसान ने, हर एक की सेवा भावना करते हैं तो सिखां दे लई स्पैशल ये मतलब डिस्काउंट भी देंदे ने। GIS ग्रुप बहुत वधिया सहूलत सुविधावान देंदे ने। तुसी की कहना चाहोगे? बहुत वधिया लग रहा देख के, प्रोग्राम जो है वधिया लग रहा। ये जो ग्रुप है GIS ग्रुप है, जो ये ग्रुप इन्ना तकड़ा बाबे कहता है, साढ़े सिखा बहुत ही ज़्यादा सहूलत ने, सिख परिवारों को, गरीब परिवारों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिल रही है। इन्हों तो असी बहुत इन्हों का धन्यवाद करते हैं भी भाई, इन्हों को कोई सिफारिश लेके जाने की लड़ हों? कोई लड़ नहीं, सिख परिवार होना चाहिए, सीधे मिलो, कोई सिफारिश की लड़ नहीं। GIS ग्रुप जो अज अपने पिता जी सरदार जोत सिंह जी के तीजी बरसी मना रहा है, वो बरसी तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इन्हों का इतने कलकत्ते कि प्रभाव है, तो बाकी होर सिख संस्थावान कमेटियां इन्ना तालमेल है, बाकी विद्यक अदारे भी ये सब तो अगे हैं। पंजाबी लड़के अपने काफ़ी उत्थे काफ़ी सिक्ख्या प्राप्त करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਡਨਲਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਧਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ GIS ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ
रिकमेंड करे अगे हाँ प्रस्तुति है। उन्होंने कहना है भी जी असं बच्चे असं डिक्ट भी कर सकते हैं पर साडा मकसद है बच्चा गुरु घर जुड़ के आवे साडी गुरु हरबा कहंदा अर्थ है गुरु घर दी एक महत्ता रखना चाहते हैं। हाँ जी एक इंपोर्टेंट रखना चाहते हैं कि तुसी मेरे को सीधे नहीं गुरु घर तो होके बहुत सोहनी गल ते जिहड़े सरदार जोत सिंह जी दी जिहड़ी याद अज मनाई गई है उन्हां दे जीवन विचों केड़ी गल तुहानूं अज दे दिन याद आउंदी है ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੋਸਰ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਗਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1500-1600 ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਫਰੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੇਵਾ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਚਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਬੋਲੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਵੇ 'ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਨ ਫੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਸ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਸੈਪਟ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ 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 ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਸਭ 'ਚ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਕਰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ
अज कल सिख बच्चे मास्टर डिग्री तक बहुत घट पहुँचते हैं, बारहवीं करके स्कूल छड़ जाते हैं, उन्होंने मापियां की सुनेहा दोगे अजे एजुकेनिस्ट एजुकेशन वर्ल्ड के तौर पर तुसी एक दुनिया चला रहे हो सिक्ख्या की, जोड़े बच्चे बारहवीं तक तो खिच धो के चले जाते हैं पर उस बाद उन्होंने कंसल्टेशन नहीं होंगी, गाइड नहीं होंगी, सहारे नहीं होंगे, सलाह देने वाले नहीं होंगे, तुम वे वे अदारे हूँ तो चीज़ तो बापू जी लगा के कहना तो करते पे बिल्कुल यही गल करते पे कि बच्चे हिंदुस्तान पढ़ाओ अगे बढ़ाओ अगे नहीं तो सामने रिप्रजेंटेटिव पार्लियामेंट च हो पर जिन्ना वे अदारे इतने पैदा किए हैं इन्होंने बारे अब डल्लब के एरिया देख लो जो बच्चे अगे अपने अपने कम लग जाते सर हूँ पढ़ाई तो सारे किन्ने बंदे अगे पढ़ गए किन्ने डॉक्टर बन गए किन्ने इंजीनियर बन गए सारे उस करके इन्होंने करके सब कुछ होया ना जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल सेम नाल अगे रख रहे पूरा परिवार उन्होंने नाल है अकाल चैनल के राही एक फतेह की गुंजाइश जरूर तरनजीत वीर जी तो जरूर करांगे अपने अपनी वॉइस नो साडे चैनल च कन्वे करो संगता मंग कर दिया ने तुसी सरदार जोत सिंह दे अजीज लगते जिगर हो जिन्ना प्यार तुसी अज संगत नो ठाठा मार दी संगत नो वंडिया है उन्ना प्यार है संगत एक बार अपने दो प्यारे मिठड़े बोल बोल के भी दो तुहाडी आवाज नो संगत तरसे तरस दिया ने सानू पता तुसी कैमरे दे शौकीन नहीं हो पब्लिसिटी दे शौकीन नहीं हो तुसी कम करके अपना सबूतनामा दिंदे हो तुहाडी मेन कॉन्सेप्ट यही है करम नो तुसी प्रधान मने करम सच्चा निशान गुरु नानक साहब ने भी कहा तुसी उस सच्चे निशान ते ही खड़े हो पर आज कैमरे के सामने एक प्यार वाले शब्द भी सानू कन्वे करो ताकि असी भी तुहाडा प्यार प्राप्त करिए अकाल चैनल के सारे सरदार नू प्यार भरी सत श्री अकाल जी अपनी फतेह बुलाई है पहले बोले सो न्यार सत श्री अकाल मैं इस गल नू मैं दर्शकों नू रखांगा कि सरदार जोत सिंह जी एक बार स्टेज पर सन्मानित हुए सन तो मैं स्टेज सकत्र सा सरदार जोत सिंह जी जिन्हों बापू जी कहा गया है साढ़े भी पिता समान हैं मैं उन्होंने भी इस तरह जिस तरह उन्होंने पुत्र ने अज बोले सोने हल किया मैं कहा बापू जी कुछ बोलो वो कहते की बोला मैं कहा धन्यवाद बोल दो वो कहते अच्छा दे माइक उन्होंने माइक लैके बोलिया धन्यवाद कहते ठीक है मैं कहा हाँ बिल्कुल ठीक है एकदम तुसी सारा कुछ झोली च भरता ये पता की गल है यह जिन्हों के कोल हर तरह की संतुष्टि है बिना संतोख नहीं को राजे गुरु अर्जन साहब जी ने सुखमनी साहब कहा सैटिस्फैक्शन तो बगैर कोई राजा नहीं हो सकता जे मन च भुख है अजे भी वह भुखा रही है इन्हों के मन च जिहड़ी संतुष्टि धन श्री गुरु नानक देव जी ने पाई है इन्हों के पिता जी दे विच भी सी इन्हों के परिवार दे विच भी है सारी टीम च है जिस वेले असी यूनीवर्सिटियां दे दर्शन करते हाँ असी देखते हाँ ये विद्या के अदारे नहीं विद्या के गुरद्वारे हैं ये सारी चीज़ जिहड़ी है ये खट्टी हुई है मैं हरिंदरपाल सिंह मैं छोटा अजीज परिवार नाल नरूला परिवार नाल जुड़िया होया हाँ तो बापू जी के संग ही रहिंदा हुंदा सी ते बाकी तो जब बच्चों के विच जांदे सी उन्हां दी कन्वोकेशन विच या उन्हां दी एडमिशन वेले जब उन्हां दे विच जांदे सी वो हर एक बच्चे नूं एक ही हिदायत दिंदे सी बच्चियो मन लगा के पढ़ना क्योंकि तुहाडे माँ प्यो ने बड़ी किल्लत करके हो सकता अपनी जमीना वेच के कई आभूषण वेच के या किस हालत नाल तुहानूं इस मुकाम ते लैके आए ने पढ़ाने वास्ते लैके आए ते तुसी उस दे उपर खड़े उतरना ते कदी भी उन्हां दा सर नीचे ना होन देना ये उन्हां दी हटम हिदायत रहिंदी सी बाकी ते सारी गल्लां तुहानूं सारिया पता ही है उन्हां दे बारे किन्ने गुरद्वारे नाल जुड़े सी पर वो एक नीचे भी रहन वाले अपने कर्मयोगी होन अपने स्टाफ होन जे कोई रिक्शा वाला भी उन्होंने आके एक अपना कार्ड दे जाना सी विआह दा वो जरूर देखते सी कि मैं उसके उत्थे जरूर पहुँचा बाकियां दे तर यह मैं एकदम सच्ची घटना अपने नाल जुड़ी हुई घटना तुहानू दस रहा हाँ इन्नी निम्रता दे पुन सी कि उन्हां दे विआह ते जरूर जाना बाकी जगह पहुँच सकन ना सकन पर उत्थे उन्होंने जरूर जाना इस नाल मैं फतेह दी सांझ करदा होए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।